खबर के साथ जातीय गणना पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। इनका कहना है कि सबसे ज्यादा संख्या दलित और मुसलमानों की है, नीतीश को कुर्सी सौंप देनी चाहिए। दलित या मुसलमानों को नीतीश को कुर्सी सौंप देनी चाहिए, प्रमोद कृष्णम का एक बड़ा बयान है। इनका कहना है कि 3% वाली जाति का सीएम होना बेईमानी है। तो आपको बताते चले कि कल ही जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। अब इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश भर में सियासत हो रही है इसे लेकर के। हालांकि अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर कई लोग इस रिपोर्ट से नाराज हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चलें कि कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम का एक बयान सामने आया है। इनका कहना है कि सबसे ज्यादा संख्या दलित और मुसलमानों की है, तो ऐसे में नीतीश को दलित या मुसलमानों को कुर्सी सौंप देनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि 3% वाली जाति का सीएम होना तो बेईमानी है। तो आपको बताते चलें कि देखिए बिहार में किसकी कितनी आबादी है, आपको बताते हैं, अति पिछड़ा 36% है। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 27.12% है। अनुसूचित जाति 19.65% है। अनुसूचित जनजाति 1.06% है। वहीं सामान्य 15.52% है। अब इसके बाद पूरे बिहार में इसको लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, सार्वजनिक किया गया है, ये त्रुटिपूर्ण है, इसको एक बार फिर से देखना होगा, जांच की जाएगी और उसके बाद ही मानेंगे कि ये रिपोर्ट सही है कि गलत है। दूसरी तरफ कई और लोगों का, कई जातियों का ये मानना है कि रिपोर्ट गलत दी गई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर्वे नहीं किया गया है, रिपोर्ट जारी कर दिया गया बस ऐसे ही। तो पूरे देश भर में कई लोगों में नाराजगी भी है। वहीं आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि रिपोर्ट बहुत सही है और इससे आगे मदद मिलेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका बहुत स्वागत है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। थैंक यू। अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं सुन रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। प्रमोद जी देखिए जातीय गणना रिपोर्ट कल ही जारी की गई है, अब इसके बाद पूरे देश भर में सियासत हो रही है। आपका भी हमने बयान सुना कि क्या कहा है आपने, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए इसको लेकर के तो कई लोग अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दे रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए मैंने जो कहना था अपने ट्वीट में कह दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पे इस देश का विभाजन करना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो जातियों के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं। दोनों ही सूरतों में देश का नुकसान है। इस देश के नेताओं को अब ये सोचना पड़ेगा कि देश बड़ा है या सियासत, देश बड़ा है या कुछ, देश बड़ा है या राजनीतिक भूख, सत्ता की भूख। भारत के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने साफ व्यवस्था दी है, एक देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो जब जाति और धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, ये बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, तो फिर जातियों के नाम पर इस तरह की ये जो बंदर बात है ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है, नंबर एक। नंबर टू, अगर आप ये कहते हैं कि जिसकी जाति जितनी ज्यादा है उसको कुर्सी मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए, तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसके आंकड़ों के आधार पर सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है 20%, दूसरे नंबर पर 19% मुसलमान है। तो फिर जिस राज्य में 20% दलित है, 19% मुसलमान है, तो उस राज्य का मुख्यमंत्री वो कैसे बन सकता है जिसकी जाति की संख्या 3% है? तो मैंने नीतीश जी से आग्रह किया है कि बड़ा दिल दिखाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसी दलित को बैठाया जाए या किसी मुसलमान को बैठाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये तो दलितों और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। अगर नीतीश जी ऐसा करते हैं तो बाबा साहब का सपना भी पूरा हो जाएगा और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो स्लोगन है आदरणीय नीतीश जी का, आदरणीय लालू जी का, वो सार्थक हो जाएगा।
प्रमोद जी, देखिए नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल कहा जाता है उनको सोशल इंजीनियर है वो, यानी कि वो जातिगत वोट कैसे लेना है और जाति के आधार पर कैसे राजनीति करनी है वो उनको बड़े अच्छे से आता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। नीतीश जी ये कह रहे हैं, लालू जी ये कह रहे हैं कि जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उतना हक मिलना चाहिए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो संख्या है वो दलितों की है, तो बिहार का मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए और दूसरे नंबर पे मुसलमान है, बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर संख्या के आधार पर, जाति की संख्या के आधार पर आप सत्ता का बंटवारा चाहते हैं तो मैं गलत क्यों कह रहा हूँ? मैं तो उन्हीं की बात को, उन्हीं की बात का समर्थन कर रहा हूँ। प्रमोद जी, आपके इस बयान के बाद एक बहुत अहम सवाल निकलकर यही सामने आता है कि आप देखिए इंडिया गठबंधन में आप दोनों हैं, नीतीश कुमार भी हैं और आप भी हैं, और आप उसमें जो लीड कर रहा है अभी इंडिया गठबंधन को, उस पार्टी के आप बड़े नेता माने जाते हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और आज आप उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैं इस्तीफे की मांग नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना का फैसला और जातीय जनगणना के जो आंकड़े उनकी आत्मा क्या है? आपने जातीय जनगणना इसीलिए तो कराई कि जिस जाति की संख्या ज्यादा है उसको सत्ता में भागीदारी मिले, यही तो मैं कह रहा हूं। तो सत्ता में भागीदारी कैसे होगी? अगर दलितों की संख्या में 20% है तो मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए या नहीं, एक सवाल। दूसरा, अगर नंबर दो में कोई संख्या है तो मुसलमानों की है तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उनका हक नहीं बनता है? और यदि आप सिर्फ दलितों को, मुसलमानों को और दूसरी जातियों को सिर्फ धोखा देना चाहते हैं तो ये तो नहीं चाहती होगी। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि नीतीश जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जो नीतीश जी की भावना है मैं उसी का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन प्रमोद जी, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि आप जो ये आंकड़े आए हैं उस हिसाब से जितने जो जिस जाति के भी जितने भी लोग हैं अब उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाना है, जो योजनाएं वो बनाएंगे वो किस तरीके से उन तक पहुंचे, उनका ये फायदा है। ये विषय फायदा नुकसान का नहीं है, ये विषय सामाजिक उत्थान का है। फायदा नुकसान क्या होता है वो तो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो तो सब चली रही हैं, वो तो भाजपा भी कह रही है हम सबको फायदा पहुंचा रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है 80 करोड़ कम भोजन दे रहे हैं। सवाल फायदा नुकसान का नहीं है, सवाल सत्ता में भागीदारी का है। देखिए मैं इसको बहुत ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, मेरी बात को जिस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ उसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। और बिहार की जो जनता है बहुत ही पॉलिटिकल है, मुझे लगता है कि बिहार की सम्मानित जनता मेरी भावना को, मेरी बात को समझेगी। मैं ये मांग कर रहा हूँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जिस जाति की संख्या ज्यादा है उसी जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिस जाति की संख्या बहुत कम है उसका मुख्यमंत्री हो, जिस जाति की संख्या ज्यादा है उसका मुख्यमंत्री नहीं हो, वो चपरासी बने। ये कौन सा न्याय हो गया दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ? तो बड़ा साफ कर देना चाहता हूँ, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वहां लगभग 20% दलित है तो मुख्यमंत्री दलितों का होना चाहिए, 19% मुसलमान है या फिर मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ये नीतीश जी को बड़ा देर दिखाते हुए करना चाहिए, भाई वोट तो दे मुसलमान और दलित, और मुख्यमंत्री बने 2.5% 2% कुर्मी वाला, तो फिर इन ठाकुर बामन और भूमिहार का क्या दोष है भाई? ठीक है, यानी कि आप बड़ा ये कहना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी जिनकी परसेंटेज ज्यादा है उनको मिलना चाहिए सत्ता में भागीदारी। मैं कह नहीं रहा हूँ ये होना चाहिए, ये तो नीतीश जी और लालू जी से सवाल किया जाए कि भाई आप ही ने जाति जनगणना का फैसला किया, उसके आंकड़े आ गए पूरे देश के सामने, एक मिसाल कायम करना चाहिए कि हम सच में सत्ता में भागीदारी देंगे उन जातियों को जिनकी संख्या ज्यादा है, बात खत्म हो गई। इसमें कोई लेकिन बट किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। ठीक है प्रमोद कृष्ण जी, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।